नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के रामायण के पाठ में। तो रामायण का पाठ शुरू करने से पहले आप सभी को एक ज़रूरी सूचना, आप मुझे जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पेज से, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी, धन्यवाद। तो चलिए आज का रामायण का पाठ शुरू करते हैं। सट सेवक की प्रीत रुचि राखहिं राम कृपाल, उपल के जल जान जेही सचिव सुमति कपि भालु, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठेठाई खोरी, सुनी अगनर कहूँ ना के सकोरी, समुझ सहमे मोहि अप डर अपने, सो सुदे राम की नहीं नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिटाई और दोष है, मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पत डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अभिलोक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहते नसाई हो यही नी की रीजत राम जान जन जी की। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीत जाते हैं। रहित न प्रभु चित चूकी की, करत सुरत समसय बार ही की, जेही अंग बधाऊं बेयाद जिमी बाली, फिर सुकंठे सोई किनी कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को सौ सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को बेयाद की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने उसो न राम ही तेरी, ते भरत ही भेंटत सने माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया, उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया।